बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। और बस अब आज हम लोगों ने बना ली थी गोभी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉलीफ्लावर ले लिया। कॉलीफ्लावर हमारे पास था, यानी ये फूल वाली गोभी, तो ये थी 1 kg। तो ये हमने इसको कट कर लिया था, और उसके पीछे इसकी बैक साइड थी। एक इसके अंदर पोटैटो था और इसके अंदर टोमेटो थे तकरीबन। हाँ, यहाँ पर मैंने 4 बड़े बड़े साइज़ के मैंने टोमेटोज ले लिए थे, और 1 कप से थोड़ा ज़्यादा होगा इसके अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया। तो बस इसके बाद हमने इसका पहले प्री हीट कर लेना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला 1 teaspoon। इसके अंदर 1 teaspoon इसके अंदर मैंने अजवाइन का ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया लहसुन, जो 3 cloves ऑफ गार्लिक थे, और इसके अंदर मैंने अंदर डाला 1 teaspoon। इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लिया, और दोनों को मैंने एक साथ मतलब कूट लिया था, और मैंने बस वो ऐड कर दिया। जैसे इसका कलर मतलब गोल्डन हो गया। अब मैंने इसके अंदर इसकी जो पीछे वाली बैक साइड थी और जो मेरा एक पोटैटो था वो हम उसको डाल के इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। चलिए कोई नहीं, मैंने ही तो खाना था तो बस मेरे लिए तो बहुत था। तो बस अब इसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अभी हम फ्राई कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो ये हमने पहले इसको इसलिए डाल देते हैं क्योंकि पीछे वाली साइड्स और जो आलू होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए हम इसको पहले ऐड कर लेंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन इसको मैंने कवर कर दिया था 5 मिनट्स के लिए, इतने बहुत रहता है, बाद में ये गोभी के साथ गल जाएगी। बस अब इसको 5 मिनट्स हो गए थे। अब इसको हम कवर, इसको मतलब कवर नहीं, सॉरी, इसका ढक्कन हटाएँगे। और अब ये देखें थोड़े थोड़े से गल चुके होते हैं, तो बस इतने ही गलाना होता है। अब इसके बाद हमने इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर गोभी जो मैंने कट कर ली थी। ये थोड़े बड़े बड़े फूल थे क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि बड़े बड़े होने चाहिए, मतलब दिखें मुझे अच्छा लगता है। मतलब बड़े बड़े इस तरह से मतलब फूल वगैरह या फिर कोई भी चीज़ हो, मतलब सामने साफ दिखे कि चीज़ है क्या, पकी क्या है। बाकी लोगों को नहीं भी पसंद होता तो खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बस इसको अभी हम डालकर मैंने इसको मिक्स करा है, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 2 tablespoons इसके अंदर क्रश चिलीज ऐड करी है मैंने, क्योंकि हम लोग क्रश चिलीज ही खाते हैं, मतलब पिसी हुई लाल मिर्च नहीं खाते, क्योंकि अम्मी को ऐसा लगता है कि इसका कलर बहुत रेड होता है तो इसलिए नहीं अच्छी लगती। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 teaspoon हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसलिए इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो गोभी का जो कलर होता है वाइट, तो मतलब वो खूबसूरत लगता है, मतलब थोड़ा लाइट सा येलो कलर उस पर रहता है तो अच्छा लगता है। सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आपके घर में खाया जाता हो, जितना आप पसंद करते हो, बस आपने इसके अंदर इतना ही डालना है। और अब इसको हम मिक्स कर देंगे, बस हमने अभी तक यही करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बस उसको अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैंने क्या चीज़ कैसी बनाई, ताकि मैं और अपनी एडवाइस भी दिया करें कि आप लोग किस तरह बनाते हैं, ताकि हमें भी तो पता चले ना कि आप किस तरह बनाते हैं, और फिर हम आपकी रेसिपी भी सर ट्राई करें। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और भाई डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हर किसी का पकाने का तरीका अलग होता है, और हम भी 2 तरीके से बनाते हैं, एक सिर्फ अजवाइन से पका कर बनाते हैं और एक इस तरह से, तो हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। तो फिर आप भी बताया करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करा करें। बस इसको भी हम अभी मिक्स करेंगे, और इसको दोबारा हमने इसको फिर कवर कर देना है। तकरीबन हम इसको कवर कर देंगे फिर तकरीबन इसको 15 मिनट्स के लिए मैंने कवर कर दिया था, क्योंकि जो गोभी के जो फूल थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, और इसको हमने स्टीम में ही कुक करना था, पानी तो ऐड नहीं करना था क्योंकि वेजिटेबल्स में पानी ऐड नहीं होता। अब इसके अंदर हम टोमेटोज ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 मिनट्स के बाद पहले इसको कवर कर लिया था, फिर 5 मिनट्स के बाद इसके अंदर टोमेटोज ऐड कर देंगे। अगर हम साथ ऐड कर लेते हैं ना तो फिर क्या होता कि ये जो हमारी गोभी है वो गलती नहीं क्योंकि ऐड जाती है। इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए, और बस फिर ये रेडी हो जाएगी खाने के लिए, बिल्कुल रेडी। ये देखें बिल्कुल रेडी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।